सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण वाइंस। कैसे हो आप सब? तो आज गाइज मैं अभी निकला हूँ रूम से, सो स्टे ट्यून गाइज। सो गाइज आज शिमला का मौसम क्या ही बोलेंगे गाइज, बहुत ही अच्छा गाइज, बहुत ही सुहावना हो रखता है और बिल्कुल क्लाउड्स हैं गाइज, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है अभी शिमला में। गाइज मैं अभी एग्जैक्ट लक्कर बाजार में हूँ गाइज, लक्कर बाजार दिमो शिमला। और यहाँ से गाइज देखो हीरो होटल डिप्लोमेट दिख रहा है आपको, बिल्कुल लक्कर बाजार वाला रोड है गाइज। और यहाँ का मैं आपको सीनरी दिखा रहा हूँ गाइज, देखो कितने ब्यूटीफुल गाइज। यहाँ से आज मौसम कितना अच्छा है, क्लाउड्स हैं गाइज, थोड़ी गर्मी कम हो रही है गाइज। दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी शिमला में, अब थोड़ा सा राहत मिली है गाइज। और कहीं गर्मी से तो राहत मिली है गाइज, साथ में देखिए गाइज, देखो तो ट्रैफिक के लिए कितना, जैसे किसी गाड़ी के लिए जाना बहुत ज़्यादा। यहाँ पर थोड़ा सा VIP होगा गाइज, आपको पास बनाना पड़ेगा, दैन ही आप मॉल पर एंटर कर पाएंगे। अभी गाइज ये लक्कर बाजार वाली मार्केट है गाइज, देखो जो ऊपर वाला रोड है गाइज, है ना, तो ये रोड संजौली को जाता है गाइस, मैं कई बार ले चला हूँ आपको। अभी हम जाएंगे जो अभी हम डाउन वाले अभी नीचे वाले रोड से हम जाएंगे गाइस। और आज हम गाइस जा रहे हैं टूटू में, तो मैं आपको ट्रैक भी बताऊंगा। देखो अब इसमें अपोजिट साइड तरीदी मॉल, साथ में अगर आप नीचे जाएँ तो ये ऑकलैंड है गाइस, साथ की छोटी सी मार्केट यहाँ की है गाइस। और आप ट्रैक डाउन साइड में जाएंगे तो आपको थोड़ी शॉप्स और साथ में एक होटल, आपको होटल वाइट गाइस आएगा, अच्छा होटल है गाइस, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, आप स्टे कर सकते हैं अफोर्डेबल रेट्स हैं। और गाइस हम अभी थोड़ा मैं ऑकलैंड की तरफ से, ऑकलैंड टर्न की तरफ जाऊंगा गाइस, क्योंकि वहीं पे मेरे फ्रेंड वेट कर रहे हैं, वहीं से हम टूटू जाएंगे गाइस। और देखो गाइस सर कितना अच्छा व्यू यहाँ पे गाइस, दिस इज ऑकलैंड स्कूल गाइस, बिल्कुल साथ है। और अबे हमें जाना होगा गाइस, हमें स्टेयर्स हैं यहाँ पे गाइस शॉर्टकट के लिए, तो यहाँ से आपको नीचे उतरना होगा गाइस। ये डाउन साइड में दिख रहा है रोड दिख रहा है गाइस, देखो यहाँ पे जो यही वाला जो मैंने सीनरी दिखा रहा हूँ गाइस, यहाँ से हम ओल्ड बस स्टैंड न्यू बस स्टैंड के लिए जाते हैं। अभी गाइस सीधा तो उतरनी पड़ेगी तो इसको तो गाइस अभी मैं स्टेयर्स डाउन में जा रहा हूँ, और आपको बताता हूँ स्टेयर्स कैसे हैं गाइस। यहाँ से थोड़ा सा चार टाइम नहीं लगेगा गाइस, यहाँ से हार्डली 1 मिनट आपको डाउन स्टेयर्स होना होगा, बिल्कुल सीधा आप जाएंगे गाइस, तो हम अभी पहुँच जाएंगे बिल्कुल ऑकलैंड टनल के पास गाइस। व्यू चेक करिए आज, देखो क्लाउड्स हो रखे हैं, मुझे लग रहा है शायद बारिश हो जाएगी आज, थोड़ा तो गर्मी से भी गाइस 2 या 3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी शिमला में, तो अब बेस्ट है गाइस। देखो दिस इज़ अ रोड ऑकलैंड का, ठीक है गाइस। और देखो यहाँ से मैं आया हूँ गाइस टनल से, ठीक है, यहाँ से मैं नीचे उतरा था, तो अभी फ्रेंड्स आएंगे साथ में तो उनके साथ चलूँगा गाइस। और गाइस ये देखो ये वाला रोड है, ये जाएगा हमारा डायरेक्टली टूटू के लिए गाइस, यही जाएगा चक्कर, है ना, आपको ओल्ड बस स्टैंड न्यू बस स्टैंड, है ना, तो यहीं से जाएंगे। सो गाइस मैं अभी बाइक में बैठ गया हूँ, और गाइस अभी मैं जो आपको व्यूज़ दिखा रहा हूँ, हम जो अभी निकले हैं विधानसभा शॉर्टकट वाले रोड से गाइस निकले हैं, तो विधानसभा वाला रोड है गाइस, यहाँ से हम डायरेक्टली पहुँच जाएंगे, देखिए गाइस। तो यही रोड गाइस शॉर्टकट भी फॉर समर हिल आल्सो, ट्रैक यहाँ पे हम चौक है गाइस, ये तभी चौक पे हम गाइस पहुँच चुके हैं गाइस। यहाँ पहुँचने के लिए आज भी आपको 10 to 15 मिनट्स लगेंगे गाइस, अगर आप अपने व्हीकल पे हैं। देखो सर गाइस एक समरी वाला रोड जाएगा गाइस, और दूसरा वाला रोड चक्कर पे जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी गाइस। साथ में देखो MG मोटर्स, यहाँ पे ज़्यादातर लोकल राइड्स आते हैं गाइस अपनी बाइक्स कार्स के लिए, है ना, तो ये बहुत अच्छा है गाइस, यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल रेट है आपके लिए, ताकि आप यहाँ पे व्हीकल को आप सर्विस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो गाइस। और लाइन लगी रहती है यहाँ पे गाइस, आज हॉलीडे वाला दिन है। और गाइस बिल्कुल इसके साथ में बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से गाइस हमें लगभग 1 मिनट लगेगा गाइस, तो यहाँ से हम आ रहे हैं, 1 मिनट लगेगा फॉर ए रेस्टोरेंट गाइस, तो स्टे ट्यून गाइस। यहाँ से गाइस 100 मीटर्स की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी गाइस, दैट इज द प्लेस द नॉर्थर्न वाइब्स रेस्टोरेंट गाइस। तो इसमें देखो पार्किंग गाइस बिल्कुल NH के बिल्कुल साथ है, शिमला से 10 to 15 मिनट्स लगेंगे आपको, टूटू की तरफ जाना होगा आपको, बीच में ही तभी चौक आ जाता है गाइस, वहाँ पे ये है द नॉर्थर्न वाइब्स रेस्टोरेंट। बर्थडे पार्टी अरेंज के लिए किटी पार्टी, रिटायरमेंट पार्टी एंड अदर गाइस, होम डिलीवरी इज आल्सो अवेलेबल गाइस, तो नंबर तो मेंशन है ये गाइस, मैं इसमें है ना इसको आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा यूट्यूब के गाइस। साथ में लिफ्ट है
थोड़ा आपको आगे ले चलता हूँ गाइज़। बहुत ज़्यादा स्पेसियस है गाइज़, आप अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, बहुत ही बेटर गाइज। और गाइज़ मैं बताता हूँ आपको, स्पेस बहुत ज़्यादा स्पेसियस गाइज़, बहुत ज़्यादा स्पेसियस है। न्यू ओपन्ड है गाइज, है ना, तो देखो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और साथ में आपको बैल्कनी, जैसे बैल्कनी यहाँ पे देखो कुछ आए हैं, कुछ भी आपको पार्टी सेलिब्रेशन करना है गाइज, है ना, या फैमिली को लेके, फ्रेंड्स को लेके, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। साथ में गाइज देखिए व्यू कितना अच्छा हो रखा है गाइज। हाँ क्लाउड्स हैं गाइज अभी भी बहुत ज़्यादा, और देखो गाइज कितना अच्छा, कितना स्पेसियस है गाइज यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो क्या रहता है शिमला का, पार्किंग का रहता है, तो यहाँ पे आप पार्क भी कर सकते हैं कार को, बिल्कुल NH के साथ है, पावर हाउस 22 तभी चौक के बिल्कुल साथ गाइज। और देखो गाइज रूफिंग इतनी अच्छी रखकर रखी है, लाइटिंग बहुत अच्छी है इस रेस्टोरेंट में। और गाइज यहाँ पे मैं आपको मेनू भी शेयर करता हूँ, तो आप मेनू देखिए द नॉर्थन वाइब्स रेस्टोरेंट का मेनू, पावर हाउस 22 शिमला, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर इज आल्सो मेंशन गाइज, होम डिलीवरी आल्सो अवेलेबल। साथ में गाइज बहुत सारे कंटेंट बेवरेजेस, है ना, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल गाइज। आपको कंटेंट लेने हैं इंडियन कंटेंट, ठीक है, आपको सब कुछ यहाँ पे गाइज मिल जाएगा विद अफोर्डेबल रेट्स, ठीक है। तो आपको मैं मेन्यू शेयर कर रहा हूँ गाइज, तो इसमें एवरीथिंग इज अवेलेबल, चाइनीज़ खाना है आपको, इंडियन खाना है आपको, दैट इज़ योर चॉइस, एवरीथिंग इज अवेलेबल गाइज। तो गाइज आप लोग बालकनी में आते हैं तो देखो आप कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा ये इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है गाइज। और साथ में गाइज व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत जगह है गाइज, बहुत काम जगह है, आप यहाँ पे आएँ तो आराम से बैठ के आप चिल आउट कर सकते हैं गाइज फ्रेंड्स के साथ। सो गाइज मेरा भी ऑर्डर आ चुका था, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट किया गाइज, लाइक पनीर टेस्ट किया है गाइज यहाँ पे, खनाई पनीर, है ना, और आई थिंक येलो दाल टेस्ट किया है गाइज। तो मैं आपको मैं इस चीज़ का आपको एक तरह फीडबैक भी बता दूँ, तो गाइज बहुत ही अच्छा गाइज है, बहुत अफोर्डेबल रेट, आपको रेट्स भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे सर, ठीक है। साथ में गाइज मैंने लेमन टी इज़ आल्सो मैंने ट्राई की है यहाँ पे, तो दैट इज़ आल्सो गुड सर, वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छे गाइज। मतलब आप लेमन टी पी रहे हैं, आप कुछ खाना भी खा रहे हैं, उसके मामले में तो आपको मतलब टेस्ट के मामले में तो डिलीशियस होने वाला गाइज, और बहुत ही अच्छा गाइज, आपको जगह भी बहुत अच्छी है गाइज, NH के साथ पार्किंग की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी, आप यहाँ जरूर विजिट करें कर। गाइज दैट इज़ द आउटर व्यू, मैं आपको बता रहा था क्लाउड्स हो रहे हैं, तो गाइज बहुत ज़्यादा ओले पड़े हैं गाइज, मतलब मैं क्या बताऊँ गाइज आपको, देखो आप हाफ ऑफ NH किस तरीके से पानी में बह रहा है गाइज, बहुत ज़्यादा बारिश गाइज यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लाइक मतलब मैं भी कहीं गाइज शेल्टर पे हूँ अभी बस मैं आपको व्यू बता सकता हूँ, देखो कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, हाथ में ओले पड़ रहे हैं गाइज, बहुत ही डायनेमिक व्यू। और इससे सच में बताऊँ आपको तो 4 या 5 दिन के लिए कम से कम आपका गर्मी ख़त्म हो जाएगी गाइज, बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी आपकी ओलावृष्टि हुई गाइज। सो गाइज बाइक पे आना तो मुश्किल था, बट अभी पहुँचे हैं गाइज, बहुत मुश्किल से निकले हैं 2 या 3 घंटे बाद, है ना, स्टे ट्यून्ड गाइज। सो गाइज मैं अभी पहुँच चुका हूँ बहुत मुश्किल से, क्योंकि बीच में मौसम वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। सो गाइज मैं आज जो मैं आपको बताया हूँ नॉर्थन वाइब्स रेस्टोरेंट के बारे में बताया है गाइज, जो कि आपके बिल्कुल साथ है अपने तवी चौक शिमला के नियर टोटू पावर हाउस, वहाँ पे आपको मिलेगा गाइज, है ना। तो मैं उसका थोड़ा फीडबैक आपको शेयर कर देता हूँ गाइज, तो अगर फूड के लवर्स हैं तो बहुत ही डिलीशियस फूड है गाइज, वहाँ पे आप आएँ और ट्राई करें, ठीक है। सो होप सो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, सो स्टे ट्यून्ड गाइज, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल #convince। थैंक यू सो मच।